नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? हालांकि एक जो खबर आपको सुनाई दे रही है यूपी पीसीएल से संबंधित कि यूपी पीसीएल की जो सारी वैकेंसीज हैं, सारी वैकेंसी में समूह खा और गा की बात किया जाए तो ये वैकेंसी अब यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से होंगी। जी हाँ, आप लोगों ने जो ये नोटिस पढ़ा है इसके बारे में मैं संपूर्ण चर्चा करूंगा। अगर आपके पास ये नोटिस पहुंची होगी या किसी भी माध्यम से पहुंचे होंगे तो एक बार तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। दूसरी चीज ये भी आई होगी दिमाग में कि क्या ये सही है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि फेक नोटिस वायरल किया जा रहा है, क्योंकि इसके संदर्भ में एक आरटीआई अभी बहुत मैं 3 अगस्त के ये 3-4 अगस्त में एक वीडियो आपको दिया था और उसमें ये साफ साफ लिखा था कि यूपी पीसीएल का जो एग्जाम है कंडक्ट यूपी ट्रिपल एससी से होगा, ये पूछा गया था। हालांकि बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में ये आरटीआई दिया गया था, शायद ना समझ पाने की वजह से। इन्होंने बोला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोमती नगर लखनऊ के स्तर से संपादित की जा रही है। और इन्होंने सारी चीजों में यही बताया कि वर्तमान में अभी जो यूपी पीसीएल की सारी प्रक्रिया है वो यूपी पीसीएल के द्वारा ही किया जा रहा है। इन्होंने भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया, पहली बात यह। तो हम इससे केवल आरटीआई से ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ भविष्य में होना था कि नहीं होना था, बट कहीं ना कहीं अगर आरटीआई में इनका जवाब था तो इतना सेंसिबल होना चाहिए कि इसने पूछा था होगा और होगा भविष्य की बात है और आपने वर्तमान में बात किया तो आप आरटीआई की एक गलत सूचना की हो और ये दंडनीय अपराध है। दूसरी चीज, अभी आज एक नोटिस आई और आज एक नोटिस में ये क्या है, एक नोटिस में इन्होंने ये साफ साफ दिया है, एक साफ साफ इन्होंने क्या दिया है कि अब जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह खा एवं गा के जो रिक्त पद हैं, समूह खा और गा के जो रिक्त पद हैं, पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अधियाचन पोर्टल हेतु श्री अनिल कुमार निगम संयुक्त सचिव अराजपत्रित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ ईमेल आईडी ए को एतद द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जा रहा है। तो जितने भी समूह खा और समूह गा के रिक्त पद हैं इनका जो अधियाचन है, इन्होंने बोला है कि खा को यूपीपीएससी करवाएगा और गा को कौन करवाएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अगर खा की बात करें तो इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि यूपीपीएससी में गया है, बड़े एग्जाम यूपीपीएससी ही करवाता है, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर समूह गा के भर्तियों की बात करें तो यूपीपीसीएल भले ही हर दूसरे साल वैकेंसी निकालता था लेकिन 6 महीने के अंदर वो वैकेंसी को कंप्लीट कर लेता था। अभी यहां पे तो पहली बात 5 साल 7 साल में वैकेंसी आए या ना आए इसका कोई तय नियम नहीं है। दूसरी बात, अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो उसका पेपर हो जाए सही समय पे इसका भी कोई तय नियम नहीं है, और पेपर हो भी जाता है तो उसका रिजल्ट सही समय पे आ जाए इसका भी नहीं कोई नियम है, और रिजल्ट भी आ जाता है तो ज्वाइनिंग हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी में 2016 की वैकेंसियां आज 2024 में भी क्लियर नहीं हो पाई है, तो इस बात को कौन बताएगा कि भाई जल्दी से जल्दी आप इसे करवाइए, तो आप तो और सिस्टम को खराब कर लो। दूसरी बात, यूपी ट्रिपल एससी में सभी को पता है कि समूह गा की सारी भर्तियों के लिए जो सबसे बड़ा पनौती है वो है पीईटी। तो एक तो आपने पीईटी लगा के ठीक था यूपी ट्रिपल एससी करा लेती, हमें क्या मतलब, हमें आयोग से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, हमें भर्ती बोर्ड से मतलब नहीं होता, हमें तो भर्ती से मतलब होता है। वो यूपी ट्रिपल एससी कराए या यूपी पीसीएल कराए या यूपी पीएससी करवाए या कोई करवाए, वो डायरेक्ट कुछ भी करवाए, हमें उससे क्या मतलब, हमें मतलब केवल भर्ती से है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूपी ट्रिपल एससी इतना सुस्त है, इतनी सारी चीजें खराब है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है और हमें अपना जो भविष्य है, जो यूपी पीसीएल के वाले बच्चे थे, यूपी पीसीएल के जो अभ्यर्थी थे, उनका कहीं ना कहीं सपना चूर होता दिख रहा है कि अब पता लगे वो तैयारी करते करते ओवर एज ना हो जाए और फिर उन्हें दोबारा मौका मिले ना मिले, और एक जो मौका मिले वो कई बार पीटी ना खा जाए या कई बार कुछ और ना खा जाए। तो अगर आप देखो जेई वगैरह की जो भर्तियां हैं वो तो आपकी कहां पे आएंगी, वो तो यूपी ट्रिपल एससी से आएंगी। तो जो अभी यूपी पीसीएल में बिना पीटी के जेई दे लेते थे अब उनके लिए भी पीटी देना अनिवार्य हो गया। तो एक बात, ये पूरा गेम जानते हैं किसका है, ये पूरा गेम केवल पीटी का है। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा मुहर पीटी का ही लगा हुआ है और ये पूरी गवर्नमेंट की चाल है। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको और कोई नहीं समझा पाएगा, और जो बच्चे समझ गए हैं वो जान गए हैं कि अब सही मायने में सरकार क्या चाहती है,
वो कहां अपना स्थान देखना चाहती है और आपके हाथ में क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो। ये बात शायद ये शब्द मेरे लिए काफी होंगे, बाकी फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। हालांकि एक चीज समझिए, भर्ती चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, चाहे यूपी पीसीएल से हो, चाहे यूपी पीएससी से हो, परीक्षा प्लस हर वक्त हर समय आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी।